हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएस स्पेशल। तो जैसा आपको पता है, हम अपनी करंट अफेयर सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें पार्ट 9 हो चुका है हमारा। पार्ट 10 स्टार्ट करेंगे। सीएपीएफ एग्ज़ाम आपको पता है संडे है, तो आप अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग और तेज कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो लेक्चर। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है अल्फोंसो आम के ऊपर, अल्फोंसो मैंगो के ऊपर ये क्वेश्चन है। ये तीन स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, इसको पढ़ के इसको अटैम्प्ट कीजिए। आई होप आपने किया होगा अटैम्प्ट। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन रिसेंटली ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। क्या इसको मिला है? जी हाँ, बिल्कुल इसे मिला है, जीआई टैग मिला है इसे। और किसको मिला है ये? हमारे महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है अल्फोंसो आम के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र तीर डायरेक्ट के क्वेश्चन भी आ सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है कि अल्फोंसो मैंगो का जीआई टैग किसको मिला है, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र मार्क कर दीजिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द किंग ऑफ मैंगोज। क्या इसे राजा बोला जाता है आमों का? जी हाँ बिल्कुल, किंग ऑफ मैंगो के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसको इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? हमारा अल्फोंसो आम को जाना जाता है हापुस, हापुस आपने सुना होगा कई बारी, तो उस नाम से इसे जाना जाता है, ये भी आप याद रखना। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ ग्रोन मेनली इन द वेस्टर्न इंडिया। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारा महाराष्ट्र का एरिया है ना, महाराष्ट्र उसके आसपास के एरिया में मोस्टली इसको उगाया जाता है, तो ये इट इज़ ग्रोन मेनली इन द वेस्टर्न इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखिएगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन किसके ऊपर है? ये है, इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। को ये बताना है, चार स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, बताना है कि जो इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वीडियो को पॉज करके इसे अटैम्प्ट कीजिए। तो देखिए, जो हमारा ये लॉन्च किया गया है ना, ये हमारा किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। और ये क्यों किया गया है? ये अभी हमारी गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी हो गई है, 150th बर्थ एनिवर्सरी, तो उस ओकेजन पे इसे लॉन्च किया गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, तो सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा से लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर है ए, सेकंड का आंसर है। रीज़न भी आपको बता दिया मैंने, 150th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ये मेड वॉच के ऊपर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मेड वॉच आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो वीडियो को पॉज करके इसे अटैम्प्ट कीजिए। आई होप आपने अटैम्प्ट किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज़ अ मोबाइल हेल्थ ऐप। ये बिल्कुल, ये एक मोबाइल हेल्थ ऐप ही है, बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, इट इज़ लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी। क्या ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है? जी नहीं, ये गलत है, इंडियन आर्मी के द्वारा नहीं किया गया, इसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने इसे लॉन्च किया है हमारा मेड वॉच। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है, और बिल्कुल ये हमारा मोबाइल हेल्थ ऐप है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना वन ओनली, इसका आंसर है वन ओनली, याद रखिएगा। इंडियन आर्मी नहीं है ये, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन किसके ऊपर है? ये इंडिया और इंडोनेशिया कॉर्पैट 2018, इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप याद रखिएगा। आईएनडी से इंडिया है और इंडो से है इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट 2018 आपको बताना है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए और इसे अटैम्प्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। क्या ये पहला एडिशन था हमारा 2018 में जो है? जी नहीं, ये गलत है, ये हमारा 32nd एडिशन था, 32nd एडिशन था जो अभी हमारा रिसेंटली हुआ है, 2018 में हुआ है। तो आपको याद रखना है, ये हमारा 32nd एडिशन था, ये वैसे हर साल ही होता है, फर्स्ट एडिशन नहीं था, को याद रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ हेल्ड इन इंडोनेशिया। जी हाँ बिल्कुल, इंडोनेशिया में ही हुआ है, ये भी 2018 का इंडोनेशिया में ही हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा टू ओनली। ये एक पेट्रोल वैसे पेट्रोल एक्सरसाइज होती है हमारी, जो ये कॉर्पोरेट है, तो ये आपको याद रखना है, पेट्रोलिंग की जाती है इसमें इंडियन ओशन में, इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, टू ओनली। तो चलिए अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगपेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताना है किस स्टेट में सिचुएटेड है। चार स्टेट में दी गई हैं आपको, महाराष्ट्र, नागालैंड, मेघालय, तेलंगाना। तो वीडियो को पॉज करके सेटम कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, आई होप आपका सही होगा, इसका आंसर है नागालैंड। ये हमारा सिंगपेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागालैंड में सिचुएटेड है। और ये न्यूज़ में क्यों था अभी, नागालैंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है, सिंगपेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है, एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है हमारा नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ये न्यूज़ में था सिंगपेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
न्यूज़ में जो होता है ये पूछ लेती है यूपीएससी, तो आपको याद रखना है ये नागालैंड में है। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एलिफेंट रिजर्व रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है, तो आप सिंगपैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन किसके ऊपर है? केनाइन डिस्टेंपर वायरस के ऊपर। काफ़ी न्यूज़ में था ये, आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में था। रीज़न था इसका एक न्यूज़ में होने का, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, देख लेते हैं इसका आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ दी वायरल डिसीज़ दैट इन्फेक्ट द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेस्पिरेटरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या ये इन्हीं को इफेक्ट करता है, इन्हीं बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करता है? जी हाँ बिल्कुल, ये इन्हीं को करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और रेस्पिरेटरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, और ये वायरल डिसीज़ ही है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, आपको याद रखना है, और इसका कोई कर भी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, देयर इज़ नो कर फॉर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये न्यूज़ में था, क्यों था हमारा कैनाइन डिस्टेंपर वायरस? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जो गुजरात में लायंस हैं हमारे गिर नेशनल पार्क में, वहाँ पे केनाइन डिस्टेंपर वायरस की वजह से लायंस की डेथ हो गई थी, काफ़ी लायंस वहाँ पे मर गए थे। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था केनाइन डिस्टेंपर वायरस, और रिसेंटली अभी गुजरात गवर्नमेंट ने लायंस को इसके ट्रीटमेंट के लिए अभी इंजेक्शन लगाए थे ताकि उनको ये दोबारा ना हो जाए। तो आपको ये याद रखना है, ये न्यूज़ में था, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हम अपना, ये क्या है, फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया सर्वे रिलीज़ किया गया है, इन चारों में से आपको बताना है कि किसने किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है वर्ल्ड बैंक, थर्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वन डी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है इनमें से किसने फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया सर्वे रिलीज़ किया था, तो वीडियो को पॉज करके सेटअप कीजिए। तो जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसका आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसे काफ़ी चीज़ें करवाता है, और फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया सर्वे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही रिलीज़ किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एट क्वेश्चन देखिए ये किसके ऊपर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर ये क्वेश्चन बना दिया है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिगार्डिंग, तो वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इट विल कवर डैमेजेस टू क्रॉप्स इन वाइल्ड एनिमल अटैक्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ये सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, और ये इसीलिए न्यूज़ में बताओ क्योंकि पहले ये वाइल्ड अटैक्स जो होते थे ना, जो किसानों के फील्ड्स पे वाइल्ड अटैक होते थे, वो कवर नहीं होते थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर, बट अब ये भी कवर होंगे, जो अगर वाइल्ड अटैक हो जाता है किसी की फील्ड पे तो वो भी कवर किया जाएगा, उसके अंडर पैसे दिए जाएंगे किसानों को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फाइन इन केस ऑफ डिले इन क्लियरिंग इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर क्रॉप डैमेजेस। ये भी बिल्कुल सही है, फ़ाइन भी लगेगा अगर डिले होता है तो, ठीक है। आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल प्रोविजन है फ़ाइन का, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, इट एनवसीज अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर खारिफ क्रॉप। बिल्कुल ये भी सही है, 2% जो है वो प्रीमियम पेड किया जाएगा फार्मर्स के द्वारा, और ये सबके लिए है, सारे किसानों के लिए सेम ही है, यूनिफॉर्म है, 2% टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर द खारिफ क्रॉप, ये भी याद रखना है आपको। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, द स्कीम इज़ मैंडेटरी फॉर फार्मर हु हैज टेकन द इंस्टीट्यूशनल लोन फ्रॉम द बैंक। ये भी सही है, जिन फार्मर्स ने इंस्टीट्यूशनल लोन लिया हुआ है बैंक से, उन किसानों के लिए ये स्कीम बिल्कुल मैंडेटरी अनिवार्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सारी स्टेटमेंट सही है, आपको याद रखना है, ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, थैंक यू।